नमस्कार बच्चों, आज से एजुकेशन हब की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? उपसर्ग टॉपिक चल रहा है। कल हमने पढ़ ली थी संस्कृत की उपसर्ग, उपसर्ग की परिभाषा पढ़ ली थी और संस्कृत के उपसर्ग पढ़ लिए थे। आज हमारे हैं हिंदी उपसर्ग की। हिंदी उपसर्ग क्या है? हिंदी में अनेक उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं जिनसे नवीन शब्दों की रचना होती है। यानी कि हमारी हिंदी भाषा में अनेक उपसर्ग है जो प्रयुक्त होते हैं, जिनके द्वारा इन उपसर्गों से क्या होता है, नए शब्दों का निर्माण होता है। नवीन यानी नए शब्दों की रचना होती है या नवीन शब्दों की रचना होती है। जो हमारे जो हिंदी के उपसर्ग है वो कौन कौन से है? ए, अन, आधे, उन, ओ, के, अकू, चो, दू, ती, नी, नी, बिन, पच, पर, धर, से, सु। यानी कि नी हमने दो बार लिख लिया। ये हमारे क्या हैं? उपसर्ग हैं। और इन उपसर्गों के इन उपसर्गों से हमें नए शब्दों का निर्माण करना है, यानी कि शब्द रूप बनाने हैं। कि ए उपसर्ग लगाने से कौन कौन से शब्द बनते हैं, अन से कौन कौन से शब्द बनते हैं, तो ये हमें बनाने हैं। तो ऐसे क्या क्या बनता है, दो दो लिख देते हैं। चलो ऐसे जैसे अचेत, अभाव, वैसे इनका ए लगाने से इसका क्या हो जाता है, उल्टा हो गया। चेत है, चेत का अर्थ हो गई चेत में रहना या जगना, और अचेत यानी कि बिना चेत, अभाव, किसी चीज का अभाव होना या कमी होना। ठीक है, इसी प्रकार अन्य, अन से ये भी उल्टा हो जाता है, अनजान, अनपढ़। ठीक है, ये भी अनजान, जान तो होता है कि भी जानने वाला, अनजान क्या हो गया, अनजान हमने हमको हम जिसको जानते नहीं है, अनजान इसका अर्थ हो गया। वैसे जान का अर्थ तो जान भी होता है, जो हमारी जान होती है, तो इसे पढ़ का अर्थ पढ़ना होता है, और अनपढ़ यानी कि बिना पढ़ा हुआ होता है। इस प्रकार इसका शब्द भी क्या हो जाता है, उल्टा। अध, अध का अर्थ होता है आधा, अध मरा, अध पका। ठीक है, इस प्रकार उन, उन से होता है एक कम, उन्नीस, उन्नीस, उनचालीस, उनतीस। ठीक है, उनसठ। औ से अवगुण, बिना गुण या बिना गुण के अवगुण, औसत। इसी प्रकार कै या कु से बनता है कपूत, कुपुत्र, कुचाल। ठीक है, कु समय ये होता है। चो से चो लगा के हो जाता है चौराहा, चौमुखा या चौमुख, चौपाया। ठीक है, चौ का अर्थ है चार, चौराहा चार रास्ते, चौमुख जिसके चार मुंह, चौपाया जिसके चार पांव या चार पाए होते हैं। दू का अर्थ होता है बुरा, दू का अर्थ होता है बुरा या कम, जैसे दुबला, दुबला कमजोर हो गया ना भाई, दुरंगा। ठीक है, दुरंगा यानी दो रंग का। तीसे हो गया तिराया, तिकोना। ठीक है, ती का अर्थ होता है तीन, तिराया यानी तीन रास्ते, तिकोना यानी तीन कोण, तिरंगा तीन रंगा, तीन रंग का क्या हो गया, तिरंगा हो गया। नी से निडर, बिना डर के हो गया ना, नी से निडर, बिना डर के। निकम्मा यानी कि जो काम करने की खुशी नहीं है वो क्या हो गया, निकम्मा। अब बिन, बिन का अर्थ होता है बिना, यहाँ पे देखो बिन ब्याह। बिन व्याया, बिन खाया, बिन बोया,
बिना खाया हुआ, बिना बोया हुआ, ठीक है। पच से, पच का अर्थ होता है वैसे पच, पंच, पांच, तो पच मेल, पच रंगा, ठीक है। पर यानी दूसरा, पर यानी दूसरा, पर काज, पर कोटा, ये क्या है हमारे हिंदी के उपसर्ग। भर से भरसक, खूब प्रयास किया हमने, भरसक प्रयास किया। कहते नहीं है कि भैया आपको पढ़ना, भरसक प्रयास करना है, अच्छे अंक उत्तीर्ण, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने के लिए भरसक प्रयास करना है। भरसक, भरमार। से सपूत, सबल, सु से सुपुत्र, सुयोग, ठीक है। तो ये हमारे क्या है हिंदी भाषा के उपसर्ग है। हिंदी भाषा में अनेक उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं जो कि नवीन नए शब्दों की रचना होती है। इन उपसर्गों के माध्यम से नवीन शब्दों की या नए शब्दों की क्या होती है, रचना होती है। जैसे ए लगाने से अचेत, अभाव, अन से अनजान, अनपढ़, अध से अधमरा, अधपका, उन से उन्नीस, उनचालीस, ओ से ओगुन, ओसर, कह या कु से कपूत, कुपुत्र, कुचाल, चो से चौराया, चौमुख, चौपाया, दू से दुबला, दुरंगा, ती से तिराया, तिकोना, तिरंगा, नी से निडर, निकम्मा, बिन से बिन बया, बिन खाया, बिन बोया, पच से पचमेल, पचरंगा, पर से परकाज, परकोटा, भर से भरसक, भरमार, सह से सपूत, सबल, सु से सुपुत्र और सुयोग। इस प्रकार से हमारे क्या हुए हिंदी के उपसर्ग हो गए। और हम अगली क्लास में जो हमारे इससे अगली क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे विदेशी उपसर्ग। जो विदेशी उपसर्ग दो हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग, ठीक है। आज का हमारा इतना है। आपको अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में, सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में आपको करना है, ठीक है। और मैं आपको इसमें से दो क्वेश्चन देती हूँ जो आपको करने हैं, यानी कि कुछ आपको उपसर्ग देती हूँ, वो उपसर्ग लगा के आपको शब्दों के निर्माण करने हैं, इनमें से देख के नहीं, इनसे अलग आपको करने, ठीक है। लिखना है आपको, निम्न उपसर्गों से, निम्न उपसर्गों से शब्द बनाइए। ये जितने भी शब्द हैं इनमें कम से कम आपको पांच पांच शब्द बनाने हैं। निम्न उपसर्गों से पांच पांच शब्द बनाइए। ठीक है, आज के लिए अपना इतना ही काफी है। धन्यवाद।